हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कटीली झाड़ियों में किशनलाल नामक व्यक्ति का शव मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस जांच करके खुलासा करने की मांग। थार नगरी बाड़मेर जिले ग्रामीण थाना क्षेत्र इलाके में रविवार रात्रि को गेहूं गांव के पास कटीली झाड़ियों में किशनलाल नामक व्यक्ति का शव मिला था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया था। कोई परिजनों और समाज के लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हत्या का आशंका जाहिर करते हुए जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति एकता मंच के अध्यक्ष उदाराम मेघवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि किशनलाल जी नगर का शव मिला था और उसकी बॉडी पर चोट के निशान है। ऐसे में हमें हत्या की आशंका है, इसलिए हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए उदाराम मेघवाल इन्होंने ये कहा। देखिए 22 तारीख को एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति किशनलाल जी जिनकर जो अपने घर से निकले थे और घर से निकलने के बाद में कुछ ही समय बाद 12 बजे के आसपास किसी ने बताया कि वहाँ पर है, तो परिजन वहाँ जाने के बाद में उनको ढूंढने पर नहीं मिला तो परिजनों ने आकर के थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर उधर पुलिस को भी सूचना देने के बाद में इधर ढूंढने पर नहीं मिला, लेकिन तीसरे दिन शाम को जा कर के एक लाश अज्ञात जगह जहां झाड़ी कंटीली झाड़ियों में पड़ी मिली और वहां जो लाश देखने पर परिजनों को ये लगा कि किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर गंभीर चोटों के निशान थे मुंह पर और गुप्तांगों पर। ऐसी स्थिति में इनको पूरा संदेह है कि किसी अपराधी ने उनको मार करके वहां पर। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।